नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारे ग्राम के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बीजमानी में हैं। यहाँ हम देखेंगे आज पौधारोपण वृक्षारोपण का कार्य चल रहा है। आप देखिए, यहाँ गैलरी में बहुत सारे पौधे हैं और बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये लगने के बाद बड़े ही सुंदर नजर आने वाले हैं। स्कूल के बाजू में शानदार क्यारी बनाई गई है और यहाँ पौधारोपण वृक्षारोपण होना है, जो कि आगे चल के बहुत ही सुंदर नजर आने वाला है। ये गमले भी रखे हुए हैं, गमलों में मिट्टी डालकर, खाद डालकर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इधर भी काम चल रहा है। किस कलर के होते हैं पौधे? ये मेहंदी है, गोल्डन ग्रीन मेहंदी। भाई ये लगा रहे हैं पौधे। यहाँ बहुत बड़ा एक क्रिसमस ट्री है, ये स्कूल में लगाया जा रहा है और देखिए गहरा गड्ढा कर लिया गया है। बहुत शानदार पेड़ है। यहाँ पे हमें एक वृक्ष नजर आ रहा है और हमारे शिक्षक यहाँ मौजूद हैं, ये बताएंगे कि ये किस चीज का वृक्ष है। एरी का पाम देखिए आप, बहुत सुंदर और प्यारा नजर आ रहा है और यही पीछे क्रिसमस ट्री लग रहा है। दुबे सर आप बताएंगे पेड़ के बारे में जी। गणेश जी की जो आता है, उसका त्योहार होता है जी, तो बच्चे लोग काफी इसको पसंद करते हैं। शो प्लांट है और बाहर का प्लांट है, काफी खूबसूरत होता है ये। अच्छा, उसको बच्चे लोग सजाते हैं बहुत प्यारे। दुबे सर एक बात बताइए, ये जो स्कूल में वृक्षारोपण और पौधारोपण, ये जो सुंदरता बढ़ाई जा रही है, ये आगे चल के कैसा आपको कैसा महसूस होने वाला है ये सब देख के? ये तो बहुत ही अच्छा थिंकिंग है ये जी, और ओजस वाटिका धीरे धीरे यहाँ डेवलप करी जा रही है। इसमें सारे मेडिसिन प्लांट बनेंगे, यहाँ जितनी भी जो ये जगह है यहाँ पर मेडिसिन प्लांट लगाए जाएंगे और बच्चे लोग उनको मेंटेन करेंगे और बच्चे लोग देखभाल करेंगे। इस वृक्षारोपण और पौधारोपण कार्यक्रम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है कि आप लोग जितने वृक्ष लगाएंगे उतनी अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी और प्रदूषण भी कम होगा, और सभी को ही वृक्ष लगाना चाहिए, सभी लोगों का बहुत अच्छी थिंकिंग है। देखिए हमारा वीडियो जो है एक संदेश देता है कि आप सभी वृक्षारोपण करें, पेड़ पौधे लगाएं, जीवन में बहुत ज़रूरी है। ये मेडिसिन प्लांट है एक लॉन्ग वाला। अच्छा, लॉन्ग हाँ, ये मेडिसिन प्लांट है। और इस वीडियो में आपको यहाँ के हमारे प्रभारी प्राचार्य हैं अशोक साहू जी, उनसे भी हम बात करेंगे वीडियो में। आप देख रहे हैं कि साहू जी जब से स्कूल में आए हैं, एक स्कूल बहुत ही सुंदर लगने लगा है, बहुत ही अच्छा लगने लगा है। और पीछे वीडियो में हमें इस शाला के पूर्व प्रधान पाठक भी नज़र आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। साहू जी बताइए, आप ये जो आज गार्डनिंग जो पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, इससे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहली बात तो जब मैं यहाँ आया, ज्वाइन किया, उसका कुछ जगह मुझे दिमाग में आई कि यार कुछ नया कॉन्सेप्ट किया जाए जी, तो कुछ कॉर्नर निकाले हमने, निकाल के उसको हम पोस दिए वाटिका, मतलब बच्चों को ये पता रहे कि ये पौधा किस चीज़ के काम में आएगा और इससे क्या दवाई का हम उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे हमारे आसपास होते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता कि हमें किस चीज़ में काम में आता है जी। आयुर्वेद हमारे सनातन में बहुत पुरानी आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद में बहुत दम है, तो क्यों ना हम आयुर्वेदिक पौधे यहाँ लगाएं, जिससे हमारे बच्चे जान सके कि इसकी पत्ती क्या काम आएगी, इसका फूल क्या काम आएगा और ये किस बीमारी में हमें काम में आता है। ये बहुत ही अच्छा विचार है। और थोड़ा कोरोना काल ने एक सिखा दिया जी, कि कोरोना के टाइम ऑक्सीजन के लोगों को के लिए लोगों को कितनी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी, कितनी जद जद करनी पड़ी, तो आज हम
नेचुरल जो ऑक्सीजन है जी, जो प्रकृति से हमें प्राप्त होती है, हम सभी का ये दायित्व है कि हम इतना ज़्यादा पर्यावरण में मतलब कम से कम अपना योगदान दें, जिससे जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो हमारे आसपास के क्षेत्र में, हमारे आसपास, हमारे स्कूल में, हमारे गांव में पहुंच सके और एक नई मुहिम शुरू हो, बच्चों में एक नया संदेश जाए कि पेड़ पौधे लगाना चाहिए। ये पेड़ किस चीज़ का है? ये लौंग का पेड़ है। ये लौंग का पेड़ है, बहुत बढ़िया औषधीय पेड़ है ये। औषधीय पेड़ है। साहू जी एक बात बताइए कि विगत अभी स्कूल में बहुत मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें परिवर्तन की जो श्रेणी है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं? सबसे पहले तो जो फर्श खराब था स्कूल जी, एक्चुअल में बच्चे बैठते थे, डेस्क लगी होती थी परंतु वहाँ नीचे गड्ढे थे, कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कत होती, तो सबसे पहले हमने पूरे स्कूल का फर्श कराया जी, पूरे स्कूल में मतलब पूरी सारी बिल्डिंग का फर्श कंप्लीट कराया, फिर टाइल्सें लगवाई सारी रूम में ताकि बच्चों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, रूम में एक अच्छा वातावरण मिले जिससे उनको पढ़ाई में या पढ़ने में मन लगे, मतलब उनको रुचि उत्पन्न हो। हाँ। जब हम एटमॉस्फेयर अच्छा दे पाएंगे, वातावरण अच्छा दे पाएंगे, तो स्वाभाविक है कि बच्चे हमारे स्कूल की ओर आकर्षित होंगे और स्कूल से बीच बीच में अनुपस्थित नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल, एक अच्छा वातावरण अगर मिलता है तो बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ती है और बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है। बिल्कुल सही है, हम आगे भी चलेंगे, आगे भी कुछ पौधारोपण क्यारी बनाई गई है, आप देखिए क्रिसमस ट्री को लगाया जा रहा है, एक गहरा गड्ढा करने के बाद स्कूल के शिक्षक क्रिसमस ट्री लगा रहे हैं। ले ली सर फोटो, ले ली मैं। लगने के बाद तुरंत इसमें पानी मिलना चाहिए। ये हमारे राजू सर पेड़ लगाते हुए, पेड़ का योग देखो जी। ये पेड़ राजधानी से आया है और मेरे गांव भी जमानी के शासकीय स्कूल में लगा है, ये 8 साल पहले साहू सर के घर पे लगा हुआ था, आज स्कूल की शानदार व्यवस्था को देखते हुए सर ने इस पेड़ को अपने घर से लाकर यहाँ लगा दिया। अमरावती महाराष्ट्र, अमरावती से भी दो पौधे आए हुए हैं, दुबे जी बताएंगे इन पौधों के बारे में कुछ। ये भी शो प्लांट है, बहुत सुंदर लगता है में। जी कुछ पौधे लाए थे घर के लिए। चलो अच्छा, आपके ससुराल की यादें स्कूल तक पहुंच गई, बच्चे वगैरह देख रेख किया थे काफी समय तक, रहा भी हाँ। और अभी तक जिंदा नहीं, पौधे मेंटेन तो करने पड़ते हैं सर। ये भी शो प्लांट है, कैलाट्रोपस, उसकी पत्तियां खूबसूरत लगती है, जब बड़ा हो जाता है तो और बहुत ज्यादा सुंदर। देखिए एक तुलसी का पौधा भी स्कूल में लगा हुआ है, ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, स्कूल में भी काम भी चल रहा है, पता ही चल रही है, अभी हाल ही में फर्श बनी हुई है।